अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ सनैन हुसैन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, रमज़ान बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अपनी इफ्तारी बनाने की तैयारी। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद ये टास्क होता है कि मैं इफ्तारी बनाऊं, और ऑब्वियसली मेरे पार्टनर्स भी वही दो होते हैं। इस दौरान हुसैन हमारे साथ थ्रू आउट रमज़ान नहीं रहा है, एक्सेप्ट संडेज़ को हम साथ इफ्तारी करते थे, बट यहाँ पे पूरा रमज़ान बिजी होने की सूरत में हमने कोई प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की। बट मैं हमेशा ट्राई करती थी कि कुछ क्लिप्स ज़रूर लूँ ताकि हमारी रमज़ान की मेमोरीज़ भी हमारे साथ रहें, यूट्यूब फैमिली के साथ हम शेयर कर सकें। तो यहाँ पे मैं मिकाइल के साथ इफ्तारी कर रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअली माई रूटीन इफ्तारी थ्रू आउट रमज़ान रहा है। अनदर रोज़ा, अनदर इफ्तारी। बच्चे सो चुके हैं और मैं फ्रूट चाट बनाने में मसरूफ़ हूँ। यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है, सारी चीज़ें आधी से ज़्यादा तो मैं ऑलरेडी बना के रख दिया करती थी ताकि इफ्तारी के टाइम पे मुझे ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो अच्छा, ज़्यादा बनाने का मकसद ये भी होता था कि जब हुसैन घर आएंगे तो ऑब्वियसली वो टायर्ड होंगे, तो हुसैन है जो भी है तो वो लोग अपना इफ्तारी का पार्ट रात 10-11 बजे तक वो ले लिया करते थे। अच्छा, अम्मी भी हैदराबाद से आ गई थी तो हम अम्मी को भी, मतलब एक दो दिन मैंने अम्मी के साथ इफ्तारी की एंड देन अम्मी एतकाफ़ में बैठ गई। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप्स मेरे पास नहीं हैं बिकॉज वी बोथ वर आउटसाइड वंस अम्मी वॉज सिटिंग इन एतकाफ। तो जी, आज 27 मार्च है, आइलिंग 2 मंथ्स की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मिकाइल को सुलाने के बाद मैंने इसकी पिक्चर लेनी थी तो मैंने ये सारी तैयारी की हुई है। आप देख सकते हैं बॉल्स के साथ मैंने 2 बनाया है और अब मैं इसकी पिक्चर लेने वाली हूँ। सो आज है 20वां रोज़ा और आप हमें देख सकते हैं, हम टीवी की बैक स्टेज पे, वी बोथ आर वेयरिंग वाइट। और ये ब्लॉग तो आप देख ही चुके होंगे। क्या अगेन, आज है 28वां रोज़ा और मैं तैयारी कर रही हूँ इफ्तार पार्टी पे जाने के लिए। और हमें इनवाइट किया है सिद्रा मेहरान ने, जो कि मेरी नंद हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी हस्बैंड की छोटी बहन हैं। काइल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। उसकी तो ईद हो जाती है जब या तो सिद्रा पप्पू घर आती हैं या तो हम वहाँ जाते हैं, तो वो बहुत ओवर एक्साइटेड होता है, मतलब वो कंट्रोल में ही नहीं आता। एंड दिस इज़ माई आउटफिट, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम खादीज। सो जी, हम आ चुके हैं सिद्रा मेहरान के घर और आप ये टेबल सजी हुई देख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे निकले थे, बट बेसिकली उस वक्त ट्रैफिक इतना होता है कि हम लोग स्टक हो गए थे और बिल्कुल अजान के टाइम पे हम लोगों ने एंट्री मारी है। और अब मैं आपको ये टेबल दिखा रही हूँ। हाँ जी, ये सब मैंने बनाया है, सब द ग्रेट सिद्रा मेहरान, ये सब मैंने बनाया है। थैंक यू सो मच। मैं बताऊँ क्या चीज़ बाहर की है? सिर्फ ये चीज़ बाहर की है। विच वन? ये जलेबी और ये बाहर का, बाकी सब घर का। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु अलैक। मीनवाइल बच्चा पार्टी को आप चेक करें, इनकी अलग ही कोई दुनिया है, सीरियसली अलग अलग। इतना कुछ कर रहे होते, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है माशाल्लाह। मतलब आई मीन मिकाइल को, विल्दान को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल दुनिया से बेफिक्र, बेगम, अपनी ही कामों में मसरूफ़, अपने खेलों में मसरूफ़, इस तरह से होना चाहिए इंसान को। हुसैन तकरीबन हाफ एन आवर बाद हमें ज्वाइन कर लिया था हुसैन ने, 7:30 बजे के टाइम पे। और जैसे ही हुसैन आए, मिकाइल जी अपने हाथों से लेके आए हैं उनको कि मेरे साथ आके खेलें। तो और हुसैन को भी बहुत अच्छा लगता है वो पहला, सबसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है जब वो घर में एंटर होते हैं, हाफ एन आवर वाला जो पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिकाइल का होता है। फिर उसके बाद वो थोड़े से एक्टिव होते हैं, कुछ खाते हैं, कोई बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वो टाइम सिर्फ और सिर्फ मिकाइल का होता है।
लुक एट द मेस दे हैव क्रिएटेड गाइस. आई मीन मेरा तो दिमाग घूम जाता है जब ये कंडीशन होती है घर की. सो डिनर इज़ रेडी एंड वी आर बैक टू द टेबल. और यहाँ पे जो सेशन चल रहा है, यू कैन सी गाइस, ये दोनों भाई और बहन अपनी बचपन के किस्से सुनाने बैठ गए हैं कि कौन किसकी कितनी लेग पुलिंग करता था, कौन किसको मच्छर कहता था. आई सीरियसली एंजॉयड द कॉन्वर्जेशन. और ये जो बिरयानी थी ना, आई मीन इट वॉज ऑसम, ऑसम बिरयानी थी, मैंने बहुत मज़े से खाई है. और यहाँ पे मीठा भी आ चुका है. और मुझे पुडिंग वैसे ही पसंद है, और स्ट्रॉबेरी पुडिंग मैं बहुत कम ये ट्राई कर चुकी हूँ फ्लेवर, और मुझे ये बहुत मज़े का लगा. थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग अस. और वी आर सो सॉरी दैट ड्यू टू आवर टफ स्केड्यूल वी कुड नॉट इनवाइट यू ऑन अफ्तार. I just love my boy. जो भी मैस इन्होंने क्रिएट किया था, my boys are cleaning the floor. और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें दोबारा बास्केट में जा रही हैं. जाने का टाइम हो गया है और मिकाइल का रोना धोना स्टार्ट हो गया है. मतलब मेरे लिए ये बहुत टफ टाइम होता है, इवन हुसैन भी नहीं हैंडल कर पाता कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए. तो बहुत मुश्किल से मैंने गोद में लिया और लेके जा रही हूँ, बट बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा, बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहा हमारे साथ. वो कह रहे हैं कि मुझे यहीं रहना है. फाइनली फुप्पो ने इनको लिया तो फिर थोड़ा बहुत ये खामोश हुए और फुप्पो को नीचे तक पार्किंग तक हमारे साथ आना पड़ा. चूँकि ईद एक दो दिन में है तो बैग पैक करना लाजमी है. एंड टाइम पे बैग पैक करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है. तो आज 30th रोज़ा हो चुका है, चांद रात है. और हुसैन का मैं वेट कर रही थी कि हुसैन आए, फिर एक साथ हम निकालेंगे. तो फ्लावर्स वगैरह भी लेके आ गए और हम लोग सब जा रहे हैं अम्मी को एतकाफ़ से निकालने के लिए. और मिकाइल भी बहुत एक्साइटेड है. जिस तरह से मुश्किल वक्त दिया है ना मिकाइल ने अम्मी को, दरवाज़ा बजा बजा के, सो अब बहुत एक्साइटेड है कि दादू को हम निकालने जा रहे हैं.